खराब खाना और घटिया सेवा के आरोप झेल रही भारतीय रेल में अब सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीती रात दिल्ली से इंदौर जा रही ट्रेन में लूटपाट हुई तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चोरी की घटना हुई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हंगामा कर रहे इन लोगों का आरोप है कि चलती ट्रेन में इनके साथ लूटपाट की गई। वारदात इंटरसिटी एक्सप्रेस में देर रात को हुई। ट्रेन में सफर कर रही एक महिला ने आरोप लगाया कि एक बदमाश आया और उनका मोबाइल और लैपटॉप छीन लिया। बदमाश ने महिला के साथ बदसलूकी भी की। S9 में बैठी हुई थी सीट नंबर 2 पे। मैं अपने फोन में अपना फोन जस्ट चार्जिंग पे लगाया ही था, मैं बैठी हुई थी, इतने में एक बंदा आया, उसने मेरा फोन जबरदस्ती मेरे हाथ से खींचा, जबकि मैं एकदम किनारे पे भी नहीं बैठी हुई थी। मैं वहाँ से एक सीट छोड़ के बैठी हुई थी क्योंकि मेरा लगेज मैंने साइड में रखा हुआ था, फिर मैं बैठी हुई थी। उसने मेरे हाथ से जबरदस्ती मेरा फोन खींचा और मेरे को गलत तरीके से छूते हुए वो फोन मेरा खींचते हुए दूसरी वाली ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में सवार दूसरे यात्रियों ने भी आरोप लगाया कि उनका कीमती सामान भी चोरी हुआ है। यात्रियों ने आरोप लगाया कि चोरी करने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उससे चोरी का सामान बरामद नहीं कर पाए। मैं इंटरसिटी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, मैं S6 मेरा कोच है, मेरे हाथ से भी 2 बार अटेम्प्ट किया बट मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, मेरा सेलफोन बच गया। मैं अपनी मम्मी को ड्रॉप करने गया था स्टेशन 1 पे, मम्मी खड़ी हुई है, उनके बैग से मोबाइल सोने की घड़ी सब निकाल के ले गए। She was left with no cash। चोर को पकड़ लिया है और उसने कबूल भी कर लिया है कि सारा सामान मैं देता हूँ, तो क्या देर हो रही, फिर क्यों ला नहीं रहे उसको? उसको आप चाहे तो देश का सब कुछ कर सकते, जब वो पकड़ा गया हमने उसको पकड़ के बोल दिया कि वो सामान दे दे, काम खत्म, चले जाते, फिर आप उसका वो सामान अभी तक नहीं आया और वो चोर को पकड़ के पुलिस के आगे गया। बीती रात ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक और महिला ने चोरी का आरोप लगाया। रिजवाना परवीन नाम की ये महिला प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रही थी, जैसे ही इनकी आंख लगी किसी ने इनके सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वो एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, मैं अभी मुरादाबाद से आई थी बच्चे का एडमिशन करवा कर MIT कॉलेज में BTech, और वहाँ पर मैं थोड़ा हमारा आंख लग गया, हमारा पूरा पैसा पर्स लेकर हैंड पर्स लेकर पहुंच गया, पता नहीं तकरीबन कितने का हानि हुआ, 6,000 रुपया उसमें था, ATM, ID कार्ड, क्या आधार कार्ड, बच्चे के एडमिशन स्लिप, और जहाँ भी हम गए वहाँ का सब ये टिकट, जाने का टिकट। आपको बता दें, आपसे कुछ ही दिन पहले CAG की रिपोर्ट में इंडियन रेलवेज के खाने को लेकर के सवाल या निशान खड़ा हुआ था, और अब सुरक्षा को लेकर के एक बार फिर से सवाल या निशान खड़ा हो गया है। कैमरा पर्सन अजय नागर के साथ निधिश्री, ABP न्यूज दिल्ली। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।